हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टार्ट द क्लास 10 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस एंड आवर चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। टुडे इज आवर टॉपिक इज फर्स्ट वन रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मींस क्वेश्चंस है कि जो रेस्पिरेशन होता है, जो श्वसन होता है, वो एक तरह की टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हमें बताना है। यू नो दैट इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन अ केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोड्यूस हीट अलोंग विद प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है प्रोडक्ट के साथ में। तो हमारी रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि रेस्पिरेशन जो होता है, इन रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आर प्रोड्यूस। मींस रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा गया है। इसका देखते हम किस तरह से होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 प्लस ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, मींस ऑक्सीजन से रिएक्शंस कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, उसका क्या बनेगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। तो हम यहां देख रहे हैं कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और एनर्जी किसमें प्रोड्यूस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है इन रेस्पिरेशन, तो उसमें भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो भी क्या है, अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्वेश्चन आ रहा है और इस क्वेश्चन में ही आपको ये एग्जांपल लिखना है, ठीक है। सेकंड वन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉर द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मींस ये कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है अपोजिट होती है, क्या होती है, अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में हम देखते हैं कि एक सबस्टांस जो होता है ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, ये होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। एंड इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है अ रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर सबस्टांस कंबाइन एंड प्रोड्यूस अ सिंगल और वन प्रोडक्ट। मीन्स कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक जो आपका रिएक्टेंट होता है, एक सबस्टांस होता है, वो ब्रेक डाउन होता है और एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो सबस्टांस या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट या सबस्टांस आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं और एक सिंगल सबस्टांस, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे की अपोजिट है। तो इसका हम एग्जांपल लिख सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन CaCO3 उसको ब्रेक कर रहे हैं, ये बना हमारा CO प्लस CO2। तो हम देख रहे हैं यहां पर ये सिंगल जो हमारा सबस्टांस है ये ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद हमें जो है वो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। और हम अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसी को भी कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, H2 प्लस O2 बन गया आपका H2O, बैलेंस कर लिया इसको, प्लस एनर्जी। तो यहां पर हीट को अब्सॉर्ब किया उसने और यहां पर हीट प्रोड्यूस हुई। तो ये रिएक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन है। तो हम यहां कह सकते हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आपको दोनों ऑलरेडी टॉपिक समझ में, रेस्पिरेशन को भी हमने एक्सोथर्मिक
टेंशन का एक्सोथर्मिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और यहाँ पर भी जो रिस्पायरेशंस है या फिर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है जो हम खाना वगैरह खाते हैं तो उसके बाद में जो ऑक्सीजन होता है उस खाने के साथ में क्या करता है उसको ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्सीजन होने पर उसको तोड़ता है ब्रेक डाउन करता है ब्रेक डाउन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देना वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं और हमें एनर्जी मिलती है तो रिस्पायरेशन कहीं ना कहीं जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन आगे के टॉपिक देखते हैं हम आगे Yes, the next question is write one equation each for the decomposition reaction where energy supply in the form of heat, light or electricity. मतलब अपने को कुछ equations हमें लिखनी है यहाँ पर जिसमें हमने उस equations को तैयार करने के लिए हमने heat supply की और ये heat किस form में हो सकती है in the form of light energy, in the form of electricity. या फिर सनलाइट तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहले हमने CO CO3 जैसे हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन का जो एग्जांपल यहाँ पर हम उसी को यूज कर रहे हैं ठीक है ये एक तरह की एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो यहाँ उसको हीट दे रहे हीट देने के बाद यहाँ क्या बनेगा CaO+CO2 ये ब्रेक डाउन होगा यहाँ पर सेकेंड में देखते हैं सनलाइट सिल्वर क्लोराइड ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट and produce silver and chlorine तो यहाँ पर हम देख सकते हैं silver chloride break down हो गया in the presence of sunlight and produce silver and chlorine gas third one H2 is also break down when we pass the electricity therefore hydrogen gas and ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस तो यहां देख सकते हैं कि जब H2O में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमने यहां पर देयर आर थ्री एग्जांपल यू सी ऑन बोर्ड आप देख रहे हैं कि तीनों एग्जांपल जहां पर अलग-अलग प्रेजेंटेशन में हम जो कंपाउंड्स है उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं फोर इंपॉर्टेंट प्रिसिपिटेशन रिएक्शन अ रिएक्शन इन व्हिच इनसॉल्युबल्स और प्रिसिपिटेट आर फॉर्मेड और प्रोड्यूस अ रिएक्शन इन व्हिच इनसॉल्युबल और precipitate are formed insoluble means जो कि पानी में dissolve नहीं होता and this is also called precipitate ठीक है a reaction in which insoluble or precipitate are formed is called precipitation reaction हम इसका example ले सकते हैं ठीक है एग्जांपल हम देखते हैं कि जब हम सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट का जब हम रिएक्शंस करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास में एक प्रेसिपिटेट तैयार हो रहा है corrosion means corrosion का मतलब होता है खराब होना
ठीक है। हम देखते हैं पोटेशियम में कि जो आयरन्स आयरन्स एंड आयरन सिमिलर मेटल लाइक टीन अटैक दी मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर एंड एसिड देन द मेटल्स आर कोरोडेड। कोरोडेड मतलब खराब होना। तो हम यह लिख सकते हैं आयरन एंड आयरन लाइक मेटल सच एज टीन अटैक विथ मॉइस्चर एंड एसिड्स then it corrode। corrode का मतलब होता है खराब होना। तो हम कह सकते हैं कि corrosion जिसमें iron और iron like metal जैसे जैसे tin हो गया इस पर अटैक होता है moisture का और acid का जिसके बाद ये खराब हो जाती है। ये पूरी process is known as corrosion। हम इसके example दे सकते हैं भाई। example क्या है? rusting of iron। सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं ग्रीनिश लेयर और कॉपर। ग्रीनिश लेयर ऑन कॉपर एंड ब्लैकिश लेयर ऑन सिल्वर, है ना। तो बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स के, ठीक है। इसका अगर हम फार्मूला लिख सकते हैं तो फार्मूला याद रखिए क्या कोरोजन या रस्टिंग का फार्मूला। Formula of rusting Formula of rusting Fe2O3 dot and H2O and is a and is a variable and then value of n is 1 2 3, ठीक है। कुछ भी हो सकता है कि formula of rusting Fe2O3 dot and H2O। तो ये आपके टॉपिक आगे होंगे समझ में। आगे का टॉपिक देखते हैं हमें।